नेक्स्ट डे इट इज वेरी गुड मॉर्निंग और अभी हम जा रहे हैं फूल में. अभी जो हम वेशभूषा में है उसके बाद हमारी वेशभूषा बदलने वाली है. वी आर सेट फॉर द प्ले. लेट्स गो. चलो मैं मेरा स्लीपर लेके आती हूँ. हम दो बच्चों के साथ आए हैं. दोनों को लेके जा रहे हैं मैं पूल में. चलो ज्यादा शैतानी मत करना. चलो ज्यादा शैतानी मत करना. और दैट इज सो इंसल्टिंग. मैं बोल रही हूँ निकल रहे हड़प तो इधर से. तो फिर नीचे आने के बाद मस्त पूल में सब जाने लगे. यहाँ पे हिरांची विरांची सब गए बट मुझे लगी थी सबसे पहले भूख क्योंकि हम गुजराती है पेट पूजा कर रहे हैं. तो यहाँ पे था हमारे लिए पोहा और ब्रेड बटर उपमा भी है बट मैं यहाँ पे फिलहाल एंजॉय कर रही हूँ पोहा. और ये पीछे से फोटो बॉम्ब करती हुई मेरी बहन याशिका जो चली गई मुँह छुपाते हुए. और फिर मैं आई अपनी सुंदरता को निहारने. तो यहाँ पे मैं बनी थी फूलवती. नेहल ने एकदम प्यार से दिया था फूल तो अपने आप वो हमने लगा लिया. मजा आ रहा है आपको? एकदम वाटर पे भी बन गए हो आप. चलो एंजॉय. फिर ये जो हमारी मैडम बैठी है डीजे प्लेयर उसको पूछने गई कि भाई तू क्यों नहीं आ रही. तो बोलती है पहले हम करेंगे गरबा. तो मुझे दिया गरबे का टोपा और गरबा बोलते ही भाई मैं तो एकदम एक्साइटेड होके हम लोग ने गाना बजाया गरबा का. और यहाँ पे देखो ए सनेड़ो 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 लाल सनेड़ो ढिंचक 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 यही चलता रहा. सॉरी मैं अच्छी सिंगर नहीं बन सकती ना मुझे बनना है ना मेरे अंदर वो गुण है. इसी के साथ मेरे अंदर भूत चढ़ा हीरा मंडी का. और देखो मैं करने लगी संजय दत्त की स्टाइल में धिंतान धिंतान तरगिट तोम धिंटान धिंटान. तो मुझे लगा नहीं इसमें मज़ा नहीं है तो चलो ना पूल पे करते हैं. तो देखो ये मेरा एंट्री क्योंकि मुझे था मैं एकदम स्पेशल एंट्री करूँ पूल के अंदर जब मैं जा ही रही हूँ. तो यहाँ पे मैं बनी थी धिंटान रानी. हाँ हाँ मलिकाए हुस्न जो कि मैं. और यहाँ तक कि मेरा बुखार नहीं उतरा कि पानी के अंदर भी मैं शुरू हो गई गाइस. मतलब कि सोचो ये बुखार सच का है. उसके बाद बुखार उतारने के लिए हमने उठाया याशिका को मैंने और हिरांशी ने और उसको बोला चलो तुझे देते हैं राइड. तो उसको मस्त राइड दिया हमने. तो मैं यहाँ पे कमेंट दे जा रही थी कि 5 रुपये लूँगी ये राइड का क्योंकि फ्री में तो आजकल गाइस कुछ भी नहीं मिलता है ना. तो ये पानी में राइड भी कैसे मिलेगा. फिर इसको उतरने के बाद ये मैडम आ चुकी. गाइस सच बता रही हूँ ये लड़की जो आपको दिखती है पतली सी कांडी ये कांडी नहीं है दोस्तों. ये बहुत भारी औरत है ये क्योंकि इसकी हाड़का बहुत भारी था तो उसको मैंने 10 रुपये लगाया. और ये मैं जो कि थोड़ी भारी हूँ बट मैं सबसे हल्की थी क्योंकि एक टेक्निक होता है फ्लोट होने का जो मैंने एकदम बढ़िया तरीके से किया एकदम मस्त किया. जैसे कि मैं मलिकाए हुस्न की तरह मस्त ऐसे ऐसे लहरा रही थी और मुझे इतना मज़ा आ रहा था. फिर मैंने बोला चलो चलो और नहीं अब हमें बोर होने लगा. तो हमें तो टाइम नहीं लगता है दोस्त बनाने में तो वहाँ पे दोस्त बना लिए थे. और याशिका चली गई थी उनके टीम में धोखेबाज. तो यहाँ पे मैंने ही गेम बनाया कि ये वॉल पे अगर बॉल वो लोग से जाएगा तो फिर वो लोग को पॉइंट और हमारा बॉल वो लोग के वहाँ जाना चाहिए. तो ऐसा हमने गेम खेला था. तो हमें बचाना था बॉल को टच ना हो. देखो गाइज मैं बहुत क्रिएटिव हूँ. अगर ऐसी और गेम्स आपको चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. फिलहाल तो मैं एकदम एंजॉय कर रही हूँ. और एक बात कि आगे की साइड उधर मैं नहीं जा रही थी क्योंकि वो पूल वो साइड का थोड़ा डीप था तो मेरी हाइट के जितना ही था. तो मुझे वो मेरा इंसल्ट नहीं करना था ना मुझे डूबना था क्योंकि मुझे डर लगता है. अब रेडी हो चुके हैं क्योंकि अभी टाइम है थोड़ी देर बाद घर भी जाना है तो वो तो मुझे अभी याद भी नहीं करना है. बट रेडी हुए हैं लंच करेंगे पिक्चर्स क्लिक करेंगे फिर बीच पे जाएंगे फिर जाएंगे घर. दैट्स द प्लान. सो या बने रहिए. लंच में ऑर्डर किया था चिली पटेटोज बिरयानी जो कि बहुत अच्छी थी रोटी और पनीर बटर मसाला. फिर यहाँ पे नीचे उतरे मैं और नेहल थोड़े से पिक्चर्स क्लिक करने. और अभी देखो क्या होने वाला है धमासान. तो गाइस हम अभी पैकिंग कर रहे हैं क्योंकि हम कल जाने वाले हैं. हम आज रात रुक रहे हैं. प्रैंक गाइस हम सच में रुक रहे हैं. हेलो हेलो हाँ बोल. यहाँ पे ये हो रहा था कि कैवल्य ने उनकी मम्मी को फोन किया था
क्योंकि याशिका को यकीन नहीं हो रहा था और उनसे बात भी करवाना था याशिका का, तो वही चल रहा था। और यहाँ पे दूसरी साइड नेहल हिरांशी की मम्मी को फ़ोन लगाई थी उनसे बात करवाने के लिए कि भाई क्या, और ये दोनों अभी भी ऐसे सदमे में कि पता नहीं क्या हो गया है। भाई गॉड, और हिरांशी तो मतलब सब पूछ रही थी हम रुक रहे हैं क्या क्या है, तो मतलब ये सरप्राइज ना हम लोग लिटरली, गाइस आप मानोगे नहीं, हम लोग आधे घंटे से पापड़ बेल रहे, इधर उधर जा रहे, ओनर से बात करे कि कुछ डिस्काउंट करके देगा, कुछ कम करके देगा तो ही हम रुकेंगे, वरना नहीं। तो उसने करके दिया, ऑन द स्पॉट प्लान हुआ चेकआउट के आधे घंटे पहले, ये लिजिट ये प्लान किया है। और एक बात कि हम लोग का ऑफिशियली फर्स्ट ट्रिप था तो ये हमेशा यादगार रहेगा, और ये दोनों तो सबसे छोटे हमारे ग्रुप में, तो उनको स्पेशल फील कराने के लिए हमने ये किया, तो यस वेरी हैप्पी। सो गाइज ये व्लॉग यहीं समाप्त नहीं होता है, क्योंकि अभी हम फाइनली जाएंगे बीच पे, जो हमारा रह गया था इसी चक्कर में कि हमें रुकना है, तो हम ट्राई कर रहे थे। इनफैक्ट घर से हम लोग ने पहले फ़ोन किया और उनको बोला ऐसा सोच रहे, ताकि उनको गुस्सा ना आए कि अचानक से, कि तो उनसे परमिशन लिया, उन्होंने हाँ बोला, फिर हम आगे बढ़े और बात किया ओनर से और जो भी फॉर्मेलिटीज थी वो पूरी की। जो खुशी थी ना गाइस, सीरियसली बता रही हूँ, इतना मैजिकल लग रहा है ये मोमेंट, मैं आपको जब बता भी रही हूँ ना, इतना खुशी है। तो बने रहिए इसी चैनल में नेक्स्ट वीडियो के लिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब।